सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज के पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला गल करांगे देश दे बजट दी, जिस दे विच की कुछ सस्ता होया है, की कुछ महंगा होया है, तुहानू उस बारे सारी जानकारी देंगे। दिल्ली दे विच लड़की नाल होए गैंग रेप दे मसले ते अरविंद केजरीवाल दे वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ एक पासा करन दा ऐलान कर दिता है। किसानां दी पार्टी नूं मानता नहीं मिली है, हुण इस दे नाल की नुकसान होएगा, की फायदा होएगा, किस नूं नुकसान ते फायदा होएगा, तुहानूं सारा कुछ दसांगे। कोरोना दीआं पाबंदियां पंजाब सरकार दे वल्लों 8 फरवरी तक वधा दित्तियां गईआं ने, तुहानूं सारी जानकारी देण जा रहे हां। पर सब तों पहलां शुरुआत करदे हां देश दे बजट तों। भारत सरकार दे विच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे वल्लों देश दा बजट पेश कीता गया, जिस दे विच कुछ ज़्यादा वेखण नूं नहीं मिलिया। सब तो ज़्यादा उम्मीद सी कि जिहड़े लोग टैक्स पे करदे ने, आमदन कर भरदे ने, उहनां दी स्लैब वधाई जाएगी, पर अजिहा कोई भी बदला भारत सरकार दे वल्लों नहीं कीता गया है। हुण बजट दे विच की कुछ सस्ता होया है, की कुछ महंगा होया है, उस बारे असीं तुहानूं जानकारी देण जा रहे हां। सब तो पहला तुहानू दसदे हां कि बजट तो बाद भारत दे विच केड़ियां केड़ियां चीज़ां सस्तियां हो जाणगियां। सस्तियां होणगियां विदेशां तो जिहड़ियां मशीनां मंगवाईआं जांदियां ने, उह मशीनां सस्तियां हो सकदियां ने। कपड़े अते चमड़े दा समान सस्ता हो सकदा है। खेती संद भी सस्ते हो सकदे ने। मोबाइल चार्जर जुत्तियां अते हीरे दे गहने सस्ते हो सकदे ने। इस बजट तो बाद जिहड़ियां चीज़ां महंगीआं होईआं ने उहनां दे विच छतरियां ने। छतरियां इस बजट तो बाद महंगीआं हो जाणगीआं। निर्मला सीतारमण दे वल्लों जदों बजट पेश कीता गया तां जिहड़ी सरकार है उस दे वल्लों रज के इस बजट दे सोले गाए गए। गल करिए देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी तां ओह कहिंदे ने कि देश नूं अगे लिजाण वाला इह बजट है। हर एक वर्ग दा ध्यान इस बजट दे विच रखिआ गिआ है। जेकर गल विरोधी पार्टियां दी कीती जावे तां अरविंद केजरीवाल कहिंदे ने कि इस बजट दे विच आम लोकां दे लई कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी नूं भी इदां ही जापदा है, ओह कहिंदे ने कि जीरो बजट पेश कीता गिआ है मोदी सरकार दे वल्लों। ममता बैनर्जी कहिंदे ने कि अमीरां दा बजट मोदी सरकार ने पेश कीता है, आम वर्ग दे लई इस बजट दे विच कुछ नहीं है। हर वार इदां ही हुंदा है, जदों बजट पेश कीता जांदा है तां सरकार अपनी पिठ थापड़दी है अते विरोधी पार्टियां कहिंदियां ने कि इस बजट दे विच कुछ भी नहीं मिलिया, खास तौर ते आम लोकां नूं कुछ भी नहीं मिलिया, अते इस बजट दे विच भी इही कुछ वेखण नूं मिलिया है। सरकार कह रही है कि भारत दी तरक्की वाला बजट असीं पेश कीता है। दूजे पासे विरोधी पार्टियां कह रहीआं ने कि इस बजट दे विच कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली अते जीरो बजट विरोधी धरां दे वल्लों दस्सिया जा रहा है। अगली खबर दे वल वधदे हां। अगली खबर दिल्ली दे नाल जुड़ी हुई है। बीते दिनी दिल्ली दे विच, दिल्ली दे कस्तूरबा नगर दे विच एक 20 साला लड़की नूं मूँह काला करके गल विच जुत्तियां दा हार पा के सिर तों गंजा करके उस दे नाल गैंग रेप कीता गया अते गलियां दे विच घुमाया गया। पूरे भारत दे विच इस घटना दी निंदा हो रही सी अते हुण इस तों बाद इस दी वीडियो स्वाति मालीवाल जिहड़े कि दिल्ली महिला कमिशन दे चेयरपर्सन ने, उन्हां दे वल्लों इस दी वीडियो भी सांझी कीती गई ट्विटर ते अते नाल उन्हां ने जानकारी दित्ती कि दिल्ली दे कस्तूरबा नगर दे विच कुछ नजायज़ शराब वेचण वालियां दे वल्लों इस घटना नूं अंजाम दित्ता गया है। स्वाति मालीवाल दी इस ट्वीट नूं रीट्वीट करके दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल दे वल्लों इस संबंधी कुछ ऐलान कर दित्ते गए ने। अरविंद केजरीवाल कहिंदे ने कि उन्हां दे वल्लों इस लड़की नूं 10 लाख रुपए दी नकद सहायता दिती जाएगी अते एक वधिया वकील भी करके दिता जाएगा अते इस मसले नूं फास्ट ट्रैक कोर्ट दे विच चलाउण दी भी ओ कोशिश करनगे। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों भी इस घटना दी निंदा कीती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अते कांग्रेस भी कह रही है कि इस घटना दे विच जिहड़े भी लोग शामिल ने उन्हां ते सख्त तों सख्त कार्रवाई कीती जाणी चाहीदी है। दिल्ली विच होई इस घटना दा सेक पंजाब विच भी वेखण नूं मिल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों भी
इस घटना की निखेधी की गई है। हुण इस लड़की नूं इंसाफ कदों मिलेगा, इस ते भी सब दीआं निगाहां बणीआं रहणगीआं। अगली खबर दे वल वधदे आं। हुण गल पंजाब दी सियासत दी कर लैणे आं। बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों ऐलान किया गया कि वह अमृतसर पूर्बी दी सीट तो नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ चोण लड़नगे। अकाली दल ने उन्होंने मजीठा तो उम्मीदवार बनाया सी। नवजोत सिंह सिद्धू ने चैलेंज किया बिक्रम सिंह मजीठिया नूं कि जे मेरे खिलाफ लड़ना है तो फिर डरदा क्यों है, एक सीट तो लड़ना चाहिए है, मजीठा छड एक सिर्फ ते सिर्फ अमृतसर पूर्बी तो ही चोण लड़के दिखा। बिक्रम मजीठिया ने कहा कि हो सकता है कि मैं सिद्धू का रांझा राजी कर दिया। बिक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू का रांझा राजी कर दिता है। नामजदगी पत्र दाखिल करन दे आखिरी दिन बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिता गया कि मजीठा तो उन्हां दी पत्नी गनीव कौर चोणां लड़नगे और बिक्रम सिंह मजीठिया सिर्फ ते सिर्फ अमृतसर पूर्बी तो ही चोण लड़नगे। दो सीटां तो बिक्रम मजीठिया चोण नहीं लड़नगे। इसके बहुत वड्डे मतलब पंजाब की सियासत दे विच कढ़े जा सकते ने। सब तो पहला अते सब तो महत्वपूर्ण मतलब इसका यह है कि इस बार जिहड़ी विधानसभा बननी है, जिहड़े विधायक चुने जाने ने, इस बार विधानसभा दे विच दोनों दे विचों एक बंदा ही जाएगा। जां तां उह बिक्रम सिंह मजीठिया होणगे जां फिर नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि अमृतसर पूर्बी की सीट तो इन्हां दोनों का मुकाबला होने वाला है। एक ने हारना है, एक ने जितना है। इसका मतलब है कि विधानसभा दे विच जां तां नवजोत सिंह सिद्धू जाणगे जां फिर बिक्रम सिंह मजीठिया जाणगे। बिक्रम मजीठिया तो पुछया गया कि तुसीं इन्ना वड्डा फैसला आखिर लिया क्यों है। वह कहिंदे ने मैं भावुक फील कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा भावुक महसूस कर रहा क्योंकि मजीठा मेरा घर है, उत्थों दे लोकां ने मैनू बहुत ज़्यादा प्यार दिता है, छड्डण नूं जी नहीं करता। पर हुण अमृतसर पूर्बी दे विच जदों मैं जाना हाँ तां लोक उत्थे कहिंदे ने कि असीं तेरा साथ देण नूं तां तैयार हाँ, पर सानू एक वचन दे कि जेकर तू जितदा है तां इह सीट नहीं छड्डेगा। इस करके वह कहिंदे ने कि मैं हुण फैसला ही लै लिया है कि दो सीटां तो लड़ना ही नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ अमृतसर पूर्बी तो ही मैं चोण लड़ांगा, मजीठा तो मेरी पत्नी चोण लड़ेगी। ये वड्डा ऐलान है, बहुत वड्डा ऐलान पंजाब की सियासत दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों कर दिता गया है। पहली बार होएगा कि बिक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू चोण मैदान दे विच पूरी तरह आमो सामने होणगे और इन्हां दे विचों सिर्फ ते सिर्फ एक बंदा ही विधायक बन के विधानसभा दे विच जा सकेगा। बिक्रम सिंह मजीठिया कहिंदे ने कि मेरे दो मकसद ने सिद्धू दे खिलाफ लड़न दे। सब तो पहला मकसद है कि अमृतसर पूर्बी दा विकास नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं किया। ये बंदा उपर उपर ही फिरदा है, इसकी घरवाली थले फिरदी है, पर काम उसके कोलों भी नहीं हुंदा। इन्हां ने अमृतसर पूर्बी दे विच कोई भी काम नहीं किया है। वल्ला सब्जी मंडी इन्हां दे इलाके दे विच पैंदी है, पर उसका भी इन्होंने कुछ भी नहीं सवारिया। जो कुछ नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं किया वह बिक्रम सिंह मजीठिया इतों विधायक बन के करे। पहला कारण वह कहते हैं यह है कि विकास करना है और दूजा कारण है कि बंदे का हंकार तोड़ना है, इसनू आम लोगों के विचरण ला देना है। हुण इह लोगों नू इत्थे दिखाई भी देवेगा, पहला तो दिखाई नहीं दिंदा सी, सिर्फ ते सिर्फ घरवाली नू ही अगे घर छड़दा सी। हुण नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार तोड़ना है अते उसनू हसना सिखाउणा है, लोगों के विचरना सिखाउणा है। इसे करके ही इन्हों दो कारणों के करके मैं अमृतसर पूर्बी तो चोण लड़न का फैसला किया है। पंजाब की सियासत दे विच अमृतसर पूर्बी की टक्कर हुण सब तो तकड़ी टक्कर कही जा सकती है, क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया भी घट नहीं अते नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब कांग्रेस दे प्रधान ने, सेलिब्रिटी ने, वह भी बहुत ज्यादा मशहूर ने। हुण इन्हां दोवां दे विचों जितदा कौन है, इस ते भी सब दीआं निगाहां बणीआं रहणगीआं। अगली खबर दे वल वधदे आं। अगली खबर भी नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई है। भावें कि नवजोत सिंह सिद्धू सियासत दे विच भाई भतीजावाद नूं नहीं मनदे, वह कहिंदे ने कि भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिदा, सिर्फ इको एक पैमाना रखना चाहिदा है कि जितदा कौन है। एक परिवार नूं एक टिकट दा जिहड़ी पॉलिसी है वह भी कांग्रेस पार्टी दे वल्लों चलाई गई है। इसके बावजूद सुरजीत सिंह धीमाण जिहड़े कि अमृतगढ़ तो कांग्रसी विधायक ने अते नवजोत सिंह सिद्धू विचाले भतीजिआं वाली सैटिंग हो गई जापदी है, क्योंकि अमृतगढ़ तो कांग्रसी विधायक सन सुरजीत सिंह धीमाण
हूँ वह चोण नहीं लड़ रहे। उतों नवजोत सिंह सिद्धू के भतीजे समित सिंह चोण लड़ रहे ने। उधर दूजे पासे जसविंदर धमान जिहड़े कि सुरजीत सिंह धमान के भतीजे ने उन्होंने सुनाम तो टिकट मिल गई है। जसविंदर धमान ने खुलासा किया है कि उन्होंने टिकट सिद्धू ने दवाई है। इसका मतलब है कि सुरजीत धमान और नवजोत सिंह सिद्धू विचाले एक डील हुई जापती है कि अमरगढ़ तो तू मेरे भतीजे को टिकट दे दे, जगह दे दे, तुसीं ना लड़ो सुरजीत सिंह धमान जी, अते मैं सुनाम तो तुहाडे भतीजे को टिकट दवा दिंदा हाँ। इस तरह भतीजियां वाली सैटिंग पंजाब दे विच सुरजीत सिंह धमान और नवजोत सिंह सिद्धू वालों कर ली गई जापती है। हुण अपने भतीजे को अमरगढ़ तो जितवाउण दे लई नवजोत सिंह सिद्धू दे वालों पूरा जोर भी लाया जा रहा है। अहमदगढ़ दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली की, उत्थे भी वह लोगों को यही गल कहिंदे दिखाई दिते कि तुसीं कांग्रेस पार्टी इस करके जिताउणा है क्योंकि कोठे तोता बहन नहीं देना, जीजा साला रहन नहीं देना। नवजोत सिंह सिद्धू कहिंदे ने कि जेकर तुसी चाहुंदे हो कि पंजाब दी सियासत दे विच जीजा साला भाव सुखबीर सिंह बादल अते बिक्रम सिंह मजीठिया ना रहन तां कांग्रेस पार्टी नूं जिता दिओ, यह कह के अपने भतीजे लई वोटां नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों मंगियां जा रहियां ने। अपने पंजाब मॉडल नूं भी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू लोकां दे अगे रख रहे ने। कांग्रेस पार्टी ने अजे तक मैनीफेस्टो तैयार नहीं कीता है। मन्निया जा रहा है कि नवजोत सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दबाव बना रहे हैं कि उन्होंने पंजाब मॉडल नूं मैनीफेस्टो दे विच शामिल किया जाना चाहिए है। हुण सीएम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के वल्लों कौन बनेगा, इस ते भी सब दीआं निगाहां बणीआं रहणगीआं क्योंकि जेकर चरणजीत सिंह चन्नी नूं सीएम कैंडीडेट बनाया जाता है तो जापदा नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू फिर कांग्रेस पार्टी के विच रहणगे। चर्चावां तां इही ने, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के विच सीएम कैंडीडेट ना बन के भी रहना है जां फिर नहीं, इह तां उन्हां ते ही निर्भर करता है। अगली खबर दे वल वधदे आ। अगली खबर कांग्रेस पार्टी दे कलेश दे नाल जुड़ी हुई है। आखिरी दिन सी नामजदगी पत्र दाखिल करन दा। आदमपुर सीट तो दो कांग्रेसी उम्मीदवार कागज भरन लई पहुंच गए। एक पहुंचे सुखविंदर सिंह कोटली जिन्हां नूं के पहला उम्मीदवार कांग्रेस दे वल्लों ऐलानिया गया सी, दूजे पहुंच गए महिंदर सिंह केपी। वह उत्थे जाके कहन लग पए कि कांग्रेस ने कोटली की टिकट कट के हुण मैनू उम्मीदवार बना दिता है, कागज तो मैं भरांगा। उधर समा खत्म होने वाला सी। उधर दूजे पासे कांग्रेस के दो उम्मीदवार पहुंच गए सन, पर आखिरी मौके ते आके जदों नामजदगी पत्र दाखिल करन दा समा खत्म होने वाला सी तां सिर्फ 10 मिनट पहला ही कांग्रेस पार्टी के वल्लों आदमपुर तो अपना उम्मीदवार फाइनल किया गया। कांग्रेस पार्टी ने सुखविंदर कोटली के नाँ ते आखिरी मुहर ला दी, जिस तो बाद महिंदर सिंह केपी बिना कागज दाखिल किए ही उतों मुड़ गए। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने रज के भड़ास कढ़ी, कहिंदे मैनू उम्मीदवार बना दिता गया सी कोटली की टिकट कट के, जदों मैं कागज भरन पहुंचा तो कहिंदे नहीं कोटली उम्मीदवार है। मेरी पिठ दे विच कांग्रेस पार्टी दे वल्लों छुरा मारिया गया है। कई दहाकियां बाद केपी परिवार इस बार चोण मैदान दे विच नहीं है। मन्निया जा रहा सी कि वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चोण लड़ सकते हैं, पर उन्होंने कागज दाखिल नहीं किए। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी हुण आदमपुर तो सुख का सा लै सकती है, क्योंकि जेकर केपी आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान दे विच नित्र पैंदे तां कांग्रेस पार्टी दीआं मुश्किलां वध सकदीआं सन। अगे वधदे आं, गल कांग्रेस पार्टी दी ही कर लैने आं। खरड तों उम्मीदवार बदल दिता गया। कांग्रेस पार्टी दे वल्लों जगमोहन सिंह कंग नूं टिकट नहीं दिती गई, ना ही उन्हां दे पुत्तर यादविंदर सिंह कंग नूं टिकट दिती गई। अल्टीमेटम दिता गया सी कि उम्मीदवार बदल दिओ, सानूं टिकट दे दिओ, नहीं तां असीं फिर कोई वड्डा ऐलान करांगे। मन्निया जा रहा सी कि आजाद तौर ते कंग परिवार दा कोई मैंबर चोण मैदान दे विच नितर सकदा है, पर आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो गया है कंग परिवार। जगमोहन सिंह कंग अते यादविंदर सिंह कंग आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो गए ने। दिल्ली दे मुख मंत्री आम आदमी पार्टी दे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दे वल्लों इस परिवार नूं आम आदमी पार्टी दे विच शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि साडियां नीतियां तो प्रभावित होकर कंग परिवार आप दे विच आया है, पर सारा पंजाब जानता है कि कंग परिवार नूं कांग्रेस पार्टी दे वल्लों टिकट नहीं दिती गई, इसे करके ही वह आम आदमी पार्टी दे विच गए ने। होवे कुछ भी, खरड़ तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने अनमोल गगन मान आते उन्हां नूं यकीनन इस दे नाल बहुत ज़्यादा फायदा चोण मैदान दे विच हो सकता है, क्योंकि पहला ही बहुत तकड़ा उम्मीदवार मन्निया जा रहा है अनमोल गगन मान नूं खरड़ तो। उन्हां दा मुकाबला है सीधे तौर ते श्रोमणी अकाली दल दे
रणजीत सिंह गिल दे नाल अते कांग्रेस पार्टी दे विजय कुमार टिंकू दे नाल। हुण जदों कंग परिवार भी आम आदमी पार्टी दे विच आ गया है तां यकीनन ही अनमोल गगन मान नूं इस दे नाल मजबूती मिलेगी अते उहनां दे जित्तण दे चांसिस होर भी ज़्यादा वध सकदे ने। अगली खबर दे वल वधदे आ। अगली खबर SSM दे नाल संयुक्त समाज मोर्चे दे नाल जुड़ी हुई है जिसनों के राजनीतिक पार्टी वजो मानता नहीं मिली है। किसानों की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकी है अते इस दे नाल किसानों नूं बहुत ज़्यादा नुकसान होने दे अंदाजे लाए जा रहे ने। जेकर एक पार्टी बन जाती संयुक्त समाज मोर्चा तो उन्होंने सारे उम्मीदवार का एक चोन निशान होना सी, एक ही पार्टी होनी सी, एक चोन निशान होना सी अते उस दे नाल उम्मीदवारां नूं चोन लड़न दे विच बहुत आसानी होनी सी। हुण जदों पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकी है, मानता नहीं मिल सकी है, तां SSM दे सारे उम्मीदवारां नूं आजाद उम्मीदवार दे तौर ते चोणां लड़नियां पैणगियां ते सारिआं दे चोन निशान भी वक्खो वक्खरे होणगे। किसानां दे वल्लों इल्जाम हुण भारतीय जनता पार्टी अते आम आदमी पार्टी ते लाया जा रिहा है। किसान कहिंदे ने कि BJP दी केंद्र सरकार दा दबाए चोण कमिशन ते इसे करके ही सानू लारियां दे विच रखिया गया, टाइम टपा दिता गया। ते दूजे पासे आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दे विच पता है कि लोक तीजे बदल दे वजों किसानां नूं वेख रहे ने, इस करके आम आदमी पार्टी अते BJP ने मिलके साडी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होण दित्ती है। BJP कहिंदी है कि साडा कोई कसूर नहीं, इन्हां ने समां ही बड़ा ला दिता, देरी नाल इन्हां ने अपना अनाउंसमेंट कीती है, तां फिर पार्टी रजिस्टर्ड किवें हुंदी, कोई प्रोसीजर हुंदा है, कोई प्रक्रिया हुंदी है। यही गल आम आदमी पार्टी कहिंदी है कि कसूर इन्हां दा अपना है, इन्हां ने देरी नाल अनाउंसमेंट कीती है, हुण साडा कसूर कढ़ी जांदे ने, सानूं कोई इतराज़ नहीं जेकर किसानां दी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाती। अगे वधदे आ, गल करोना दीआं पाबंदियां दी कर लैंदे आ। करोना नूं लैके नवीआं हदायतां पंजाब सरकार दे वल्लों जारी कर दित्तियां गईआं ने अते जिहड़ियां पाबंदियां पहलां सन उहनां नूं ही 8 फरवरी तक वधा दित्ता गया है। जिवें कि रात दा करफ्यू रात 10 वजे तों लैके सवेरे 5 वजे तक 8 फरवरी तक लग्गिया करेगा। इस तों इलावा जो जो होर कुछ स्कूल जिवें बंद सन, कॉलेज बंद सन, यूनिवर्सिटियां बंद सन, उह सारा कुछ बंद रहेगा। इस तों इलावा बार, सिनेमा, रेस्टोरेंट, यह सारा कुछ, अजायब घर भी ने, उन्होंने सिर्फ 50% समर्था के नाल ही लोग जा सकते हैं। 8 फरवरी तक इन्हां पाबंदियों का पालन पंजाब के लोगों को करना पवेगा। ये हदायतां पंजाब सरकार के वलों जारी कर दित्तियां गईआं ने। इह सन कुछ वह खबरां जो तुहाडे तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे साडे शो बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली वार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो तां पंजाब TV, हर खबर दा सच।